आज से कुछ साल पहले आपने आपको दिखाई एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें लिखा था जलपरी। ये रहा साला जलपरा, कूद जा। वैसे कूदेगा कहाँ? बात साफ नहीं आ रही होगी बिकॉज यहाँ पे बहुत ही तेज हवा चल रही है। और ये देखो आप, ये जो है अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है ये पुल। एयरपोर्ट पे नहीं रिसीव करेगा वो, सेम लोकेशन से पिक एंड ड्रॉप है उसका, तो एयरपोर्ट के लिए टैक्सी कर लेंगे। ठीक है, बोल देंगे बीमार मोटे पैसे लेगा, 15-20 किलोमीटर की बात है। कर दी भैया, साउथ में लाए नारियल पानी तो पिला दो। नारियल पानी तो ठीक है, ये आ गया टोल। अब हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस साल हमसे डबल लेगा। साडे को पैसे देंगे सी करा गल करेंगे पंजाबी च, तो वो गल करूंगा तमिल च, तो सानू समझ नहीं आनी तो साढ़े चित्र फिर जाएंगे भाई। पलटनी नहीं है, पैसा दिए हैं कैश वाला। ये फास्ट टैग सच्ची नहीं है, कैश वाले गरीबी कोटे में आ रहे हैं। तो फाइनली 45 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा रुक गए क्योंकि लगी जबरदस्त भूख है। सोचा था तो कुछ खाऊं लेकिन इतनी जल्दी कुछ मिल भी तो नहीं रहा। अब इनसे भैया से पूछते हैं कि क्या है खाने के लिए, पूछ के फिर चलते हैं। तो बस भैया थे, उन्होंने बोला कि बढ़िया से सेल ड्राइवर यही भैया थे, और अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं आगे। कुछ खाने को तो इतना मिला नहीं। बाप रे, गाड़ी जमा गर्म हो रखी भाई ऊपर से। आगे चलते हैं, आगे कुछ खाने को मिलेगा 2 किलोमीटर बाद बोला उन्होंने। तब तक घास भूसा वालों को तभी गुजारा करना होता है। बिना एक दो चिप्स, बाकी मिलते हैं आपसे। ना ना, सब तो दिखा दिया आपको। इधर चलते चलते रोड पे मुझे अचानक ही, मैंने तेल डलवाया था पर आपको वहाँ पे रेट नहीं बताया मैंने इतना क्लियरली। ये देखो आप, जो पेट्रोल का रेट है वो है 92.95 और सॉरी डीजल का, और पेट्रोल 103.16 103 रुपया। वो लंका लश्काने वाले रोड है, रोड कह रहा हूँ रेट है, साला ज़्यादा खाली है गया। ये रहा, इधर से हम आ रहे हैं, इधर हम जा रहे हैं। ये अपनी सेम धन्नो की चचेरी बहन, बस ये भैया आ गए हैं। ये भैया का ये लग गया है हिसाब किताब, थाली लग गई है, इसका भी थाली आएगा। थाली बोला गंवार, अब लगेगा हमारा थाली। गिलास भी आपके बहुत बढ़िया है जी। ये लग रहा है रेनू पहलवान का थाल। थैंक यू अन्ना, थैंक यू। तो अब आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या क्या है। पोड़ा पोड़ा, बाकी भैया का थाली, हमारा थाली। तो फाइनली ये क्या बोलते हैं इसको, अंगड़ी पिट्टू, और ये भिंडी। तो ये है भिंडी और ये है जो बोला अंकल ने। चावल मुर्गा फिश नंगो वेज चाहिए कि ये फिर वेज ले लो, नहीं तो रहने दो मत खाओ, मन नहीं है तो रहने दो। ये आ गया अपने राइस, राइस फिश, ये जो भैया ने बताया ये भिंडी की सब्जी, राइस। बाकी ख़त्म करके फिर मिलते हैं आपसे। ये फुल मच्छी, ये भी मच्छी अल्टीमेट। फाइनली हमने खा लिया, बैठो अनलॉक होगी, बैठ स्टार्ट करो ना, अंदर अरे गर्मी तो होगी ही, धूप जो इतनी तेज है।
तो फाइनली खाना खा लिया, अब जाके जान में जान आई है और अब आगे बढ़ने की तैयारी। गर्मी में बैठा दिया, थोड़ी देर थोड़ी देर और ना बैठा तो अंदर इनकी लाशें मिलेंगी। बाप रे स्वीट कितनी गर्म होगी रे, ए फकिया गलती मार। थोड़ी हीट हो, अभी तक आप देख सकते हो 52 किलोमीटर ही आए हैं और अब मस्ती में सिर्फ चले जाना है, चले जाना है। फाइनली 150 किलोमीटर के आसपास तो ड्राइव होगी, 20-25 किलोमीटर और रह गया और पहुंचने वाले हैं पंबन ब्रिज, तो आपको वो दिखाते हैं। उसके बाद पहुंचेंगे रामेश्वरम। बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, लंबी ड्राइव बहुत होगी, तो बाकी वहाँ पहुँच के बाकी का आपको दिखाते हैं। तेल बहुत महंगा भाई यहाँ, बहुत ज़्यादा है। समुंदर शुरू है, वो देखो आप, क्या पता फोन में कितना क्लियर दिख रहा हो बट एक्चुअल में बहुत ऑसम है। बाकी का आपको आगे दिखाते हैं चलते चलते। करीब आ गए थे समुंदर के तो हमने सोचा कि ब्रिज जब देखेंगे तब देखेंगे, पहले आपको दिखाते हैं यहाँ से क्लोज से पूरा समुंदर दिखाते हैं क्लोज से। ये रहा समुंदर, पता नहीं कैमरे में कितना का दिख रहा होगा आपको। हरिओम पूर उधर भी क्या गजब का व्यू पूरा, ये देखिए आप लहराता हुआ समुंदर, अथाह अनंत सागर। अब थोड़ी देर में उस समुंदर के पास जाएंगे जहां पर श्री रामचंद्र जी ने शुरुआत की थी पुल की। हो भाई खुशी ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। ये पानी ऑसम, सीरियसली भाई ऑसम। तो फाइनली थोड़ा फोटो वगैरह खींच रहे थे, उसके बाद आप इस साइड देखो तो समुंदर कितना शांत सा दिख रहा है और वही अगर आप इस साइड देखो तो एक मिनट गाड़ी को ना थोड़ा रोक लेते हैं थोड़ा सा, और अगर आप इस साइड देखो तो समुंदर कितना उग्र सा दिख रहा है। ओहो माय गॉड। बाकी इस समय हम जहाँ हैं ये स्टार्ट होता है आगे से पंबन ब्रिज, नाम तो सुना ही होगा आपने कितनी बार, हर जगह काफी फेमस ब्रिज है पंबन ब्रिज। पंबन इधर भी समुंदर इधर भी समुंदर, और जिधर हम आगे जाएंगे तो हमारे पीछे भी समुंदर, तो मतलब कि हम एक आइलैंड पे होंगे। ओ माय गॉड, अन्ना अन्ना दिस इज समुंदर अन्ना, तू डॉट के बीच में जाने को मिलेगा अन्ना। हाँ बीच में ही अन्ना, नहीं बीच में अन्ना बीच में जाएगी, तुम छलांग मारती तुम जाती फिर तुम मुड़ के नहीं आती। ये देख रेलवे ब्रिज एक दूसरा बना रहे वहां पे, और ये जो ब्रिज है ये देख अपने इसी पे टिका हुआ है, और ये अंग्रेजों के टाइम का ब्रिज है। अलाउड है रूम में? अलाउड तो पता नहीं, फिर एक मिनट दिखाई दे। पर आप लोगों के लिए रोक रहे हैं, आप लोगों के लिए रोक रहे हैं, रूल तो नहीं तोड़ रहे हैं। बट ओहो हो कितनी तेज हवा चल रही है, बाप रे बाल बुल सब उड़ रहे हैं यहाँ से। आप देखो मेरे को तो डर सा लग रहा है। वो रहा रेलवे ब्रिज जो ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, इस रेलवे ब्रिज को जिस पे आज भी ट्रेन चलती है। ज़्यादा हवा के कारण हो सकता है मेरी आवाज़ साफ ना आ रही हो, ये देखो इस पे आज भी ट्रेन चलती है ये वाली, वो दूसरा अब बना रहे हैं और इसके साथ ही ये जाता है रोड अपना। ये खड़ी अपनी धन्नो अपनी क्यों है तो किसी की, और ये पिल्लर से बेगे समुद्र गहरा तो नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, पर लहरें हैं बहुत तेज से आपको दिख रही होंगी। औसम यार औसम, पर जो चीज़ें आंखें कैप्चर कर सकती हैं ना आप जो जितना दूर हो सकता है, ये अनंत है आगे एंड नहीं वो इसका, इधर इधर तो जरूर एंड होगा बनता है, इस बनता के बाद नहीं एंड है इधर। हो आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, बाकी आपका आपको आगे दिखाते हैं, देख के आपको पता ही लग गया होगा कितनी तेज हवा चल रही है।
ही तेज हवा चल रही है। और ये देखो आप, ये जो है अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है ये पुल, और ये उस टाइम पे ये बीच से खुला करता था क्योंकि बड़ी बड़ी शिप को निकलने के लिए, और अब इसे फिक्स कर दिया गया, अब नहीं खुलता। और दूसरी साइड आप वो दूसरी पटरी बिछाने के लिए ये पहले, और आज भी क्या कलाकारी थी उस टाइम। चलते हैं आगे, बहुत तेज हवा चल रही, बहुत ज़्यादा तेज। ये देखिए ब्रिज, इसे कहते हैं पंबन ब्रिज, इतना फेमस ब्रिज है ये। ओ इस लेवल की हवा चल रही थी कि ये देखो आप बालू का हाल मेरे, ओए होए जमा है, खिल्लर गए थे। ये आ गया, अब यहाँ से 10 किलोमीटर है टेंपल, और 8 किलोमीटर बस स्टैंड, और 21 किलोमीटर है धनुषकोडी। तो धनुषकोडी भी जाएंगे, फिलहाल तो देखते हैं कि कहाँ का प्लान है आगे का। पंबन ब्रिज तो कब के पार कर गए, इधर रामेश्वरम मंदिर के बैक साइड पे थे, और यहाँ आते ही जो नज़ारा देखा हमने, कहा सोचा आपको सबसे पहले दिखाएं। ये देखो सारा ही समंदर, और यहाँ से सीधा श्रीलंका लगेगा। ओहो ये देखो, आपको क्लोज करके थोड़ा दिखाऊं मैं, वो भी दरिया। ये देखो आप, ये देखो समुद्र बोट्स वगैरह चल, ये देखो बिल्कुल क्लोज आके। ओए होए होए, ये यहाँ से बोट जाती है जिस पे ये इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। समुंदर की आवाज सुनो आप। ये सामने कहीं श्रीलंका है, इधर कहीं। ओहो नाइस। So, इस समय हम खड़े हैं बिल्कुल समुंदर के बिल्कुल बीच से, नहीं कह सकते थोड़ा बीच में। ये देखो आप, इधर भी समुंदर, इधर भी, और ये सामने ये बोट है जो आपको बता रहा है इंडिया की फ्लैग वाली। तो ये 5-10 किलोमीटर तक ले जाके घुमा ले आती है, और स्काई कितना क्लियर है। और ये रहा समुंदर, अरे लकड़ी के बल पे यहाँ नीचे भी समुंदर दिख रहा है, रब्बा। देखते हैं अगर बात बन गई, बात की इनसे अगर थोड़ी देर तक चल पड़े तो आपको बोट की भी राइड करवा के ले जाते हैं। रामेश्वरम से थोड़ा आगे गए थे कि फ्री ही है तो थोड़ा घूम लेते हैं। ये रोहित भैया ने बोला कि बहुत कुछ दिखने वाला है, ये आप देखो, ये कह रहे कि ये व्यू में देखा लाइट, कह रहे भी समुंदर के पास कुछ है। आपको मैं ये दिखाता हूँ एक्चुअल में है कहाँ पे। ये देखो आप, ये ख़त्म, ये समुंदर सारा, और इसको थोड़ा नहीं ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। ए ए ए ए ए ए, अब ये लास्ट तक क्या है थोड़ा पता करके आते हैं, जहाँ तक जाया जाए। पता नहीं गांव में घुस गए, देखे तो सही एक्चुअल में है क्या। यहाँ चर्च ही बहुत है। हाँ चर्च तो ज़्यादा है यहाँ। ओ हो अयप्पा, एंड पोड़े 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 समुंदर घनघोरे। भाई साहब लोकेशन तो ये भी बहुत अच्छी है, दुनिया में है तो बहुत कुछ, बस हमें पता कम है। और यहाँ से श्रीलंका बहुत नज़दीक है, हमें कह दिया एक बोट वाले को भैया ले चलो, ले तो जाएगा फिर उधर से पोड़े पोड़े करके आ भी नहीं पाएंगे। ओहो अगेन हवा इतनी तेज चल रही है, और चेक करने के लिए आए कि क्या था। तो ओए होए होए, ओहो हवा कितनी ज्यादा तेज चल रही है। ये देखो आप, ये बोटे हैं मछुआरों की, आगे ये सब मछुआरों की बोटे हैं। ओहो आसमान देखो, समुंदर ही समुंदर, अनंत समुंदर। तो फाइनली हमें रूम मिल गया, और गाड़ी मैंने अंदर पार्क कर दी, बाकी अब सामान निकलवाता हूँ। बंदा भी बहुत बढ़िया मिल गया अपने को, जान पहचान वाला। हाँ बुला दो, अपना तो दे। अच्छा कोई नहीं। थैंक यू। तो रूम हमने जस्ट कर लिया बुक यहाँ पे, और अंदर दिखाते हैं आपको। रूम भी बहुत ही बढ़िया है, ये फॉर्मेलिटी करते हुए, ये फार्म वगैरह भरते हुए,
मेरी बाथरूम रूम इज ओपन ब्रो और नॉट रूम देखना आपको नहीं देख लिया रूम देख लिया आइए ये भैया हैं आसाम से और इनके चलते अपने को थोड़ा तो आसानी हो गया भैया बिल्कुल मंदिर के पास रूम मिल गया रोहित को इनसे बात करने में बहुत कन्वीनियंट फील होता बिकॉज ही सेइंग हिंदी वेरी वेल और ये है अपना रूम अभी अंधेरा है थोड़ी दिन हो जाएगा अरे ये है अपना ए सी शुक्रिया भाई शुक्रिया कोई नहीं भाई यार बहुत बहुत थैंक यू हाँ ठीक 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 ब्रो ठीक ठीक बाकी अपडेशन आपको देते हैं जो भी होगा